हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से संबंध रखने वाले आपके प्रणय शर्मा जी ने जो है वो हाल ही में ही एक डिवाइस बनाया है, जिसका नाम जो है वो आपका डीएनडी रोधक रखा गया है। तो ये डीएनडी रोधक किस तरह से काम करता है और क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्रणय शर्मा जी ने जो है वो सीएम स्टार्टअप योजना के तहत जो है इस डिवाइस का जो है वो निर्माण किया है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना ही होगा, इसका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2018 में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग 1 लाख के करीब लोगों की जो डेथ होती है हर साल इंडिया में, वो ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण होती है, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना। और अगर टोटल बात करें कि ड्रिंक के कारण जो है वो 2.6 लाख इंडियंस की डेथ जो है वो हर साल होती है। ये 2018 का आंकड़ा है, हो सकता है कि अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़ गया हो, बट अप्रोक्स 1 लाख लोग तो जो है वो हर साल आपके इंडिया में मरते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव केस में, ठीक है, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। तो इसी चीज को कम करने के लिए और जो ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण मौतें होती है उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो इस डिवाइस का निर्माण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ ये डिवाइस है। इस डिवाइस में क्या है कि एक कैमरा लगाया गया है और बहुत सारे कुछ सेंसर्स का यूज किया गया है। अब ये वर्क कैसे करता है कि इस डिवाइस को जो है वो गाड़ियों में इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद क्या है कि इसके सेंसर जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी पर्सन है जो भी आपका ड्राइव करने वाला है, अगर वो शराब पीकर जो है वो गाड़ी में बैठता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो गाड़ी को लॉक कर देते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, यानी कि आप गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। ये सेंसर इस तरीके से वर्क करते हैं और जिससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर ये आपका डिवाइस गाड़ियों में यूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो एक रिड्यूस देखने को मिलेगा। जो भी डेथ का ग्राफ है, हर साल 1 लाख लोगों की डेथ होती है, तो हर गाड़ी में अगर ये यूज किया जाता है इस तरह का डिवाइस, तो कहीं ना कहीं जो है वो रिड्यूस देखने को मिलेगा उस ग्राफ में, ठीक है। तो ये गाड़ी को लॉक कर देता है और इसके अलावा भी जो है वो 2 फीचर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं कि अगर आप फोन यूज करते वक्त जो है वो गाड़ी चला रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बड़ी जोर से अलार्म बजाना शुरू कर देगा, ठीक है, कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आप फोन का यूज कर रहे हो तो इसके सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कैमरा भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है वो बहुत जोर जोर से अलार्म बजाएगा ताकि आपको जो है वो पता लग जाए कि आप फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपको तो पता ही होगा बट फिर भी ये अलार्म बजाना शुरू कर देगा। और उसके साथ साथ अगर आप गाड़ी चलाते हुए आपको नींद आ रही है या उबासी आ रही है, उसके बाद भी जो है ये बहुत जोर जोर से अलार्म बजाना शुरू कर देगा। तो कुछ मेजर फीचर ताकि जो है वो ड्रिंक एंड ड्राइव के जो भी डेथ होती है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसके लिए जो है ये डिवाइस बनाया गया है। अभी जो है वो प्रणय शर्मा बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कि जब भी कार को मैन्युफैक्चर किया जाए उसके बाद जो है वो इसमें इंस्टॉल ऑटोमेटिक, मतलब कि पहले से ही जो है वो गाड़ियों में इसको जो है वो इंस्टॉल किया जाए ताकि आने वाले समय में इंडिया में स्पेशली, ठीक है, जो ड्रिंक करके एक्सीडेंट होते हैं, ड्राइव करते हैं, उसके कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है। तो आपको ये जो भी इन्वेंशन है, ये इनिशिएटिव जो भी है, वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।